بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى 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 يا مصطفى يا مصطفى अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म कायदुल मुरसलीन सैयदुल नबीयीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुंतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारका व सल्लमा की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया सलात व सलाम अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफ़ा, ये मुबारक महफ़िल इस दीनी मदरसा और मस्जिद के इफ्तिताह के सिलसिला में रखी गई है और बिरादरे मोहतरम मौलाना कारी ज़हीर इकबाल साहब उन्होंने रात को ही कोई 12:30 बजे 1:30 बजे मैं बर्मिंगम से आ रहा था तो रास्ते में इनका टेलीफोन मुझे मिला, गाड़ी में बैठा हुआ था, कि आप सुबह अज़्ज़ोर के बाद इस प्रोग्राम में हाजिर हों। तो मैंने मुनासिब समझा कि कारी साहब क़िबला ने यह खुशखबरी सुनाई है कि नया मरकज़ हम कायम कर रहे हैं, तो मैं
हाजिरी का शर्फ हासिल करूँ हुसूल बरकत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हो गई है और ये मरकज देखकर बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए। जिन लोगों ने इसके अहतमाम में हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया का इज्जत वकार अता फरमाए और दुनिया और आखरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। हज़रत अल्लामा पीर तरीकत रहबर शरीयत मौलाना साहबजादा मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब महबूबी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाए हैं। उनके ग्रामी कदर साहबजादा ने आप हजरात के सामने बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी में तकरीर फरमाई है और मेरे मोहतरम भाई मौलाना प्रोफेसर सैयद अहमद हुसैन साहब तिरमिज़ी उन्होंने भी आपको बड़े हसीन अंदाज में पैगाम दिया और जितना वक्त कारी साहब ने मुझे दिया है मैं एक मसला आपके सामने मैं भी अर्ज करूंगा और वो मसला सारे मसले ही बड़े ज़रूरी हैं। अपनी अपनी तरजीहात हैं लोगों की भाई क्या मसला ज़रूरी है। एक वक्त में ज़ाहिर है सारे मसले तो बयान नहीं हो सकते तो एक मसला आज मैं अर्ज करूंगा। यहाँ के मौका की मुनासबत से मैंने इसे तरजीह दी भाई ये मसला बयान करना चाहिए और होगा इंशाल्लाह कुरान सुन्नत के मुताबिक और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप हजरात सब समझदार हैं अल्लाह के फजल व करम से मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं तजर्बे में ज़्यादा हैं बस ज़रा तवज्जो फरमाएंगे ताकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। मैंने 35 मिनट दिए थे तो 5 मिनट तो इस तरह गुजर गए। 30 मिनट में ये मसला मैं पूरी कोशिश से आपके सामने अर्ज करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ऐ मोमिनों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो वउलिल अम्र मिनकुम और तुम में से जो साहिब अम्र हैं उलिल अम्र हैं उनकी भी इताअत करो। फ़इन तनाज़ा तुम फी शयइन और किसी भी बात में अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो आपस में निज़ा ना करो झगड़ा ना करो बल्कि वो बात जिस अमर में तुम्हारा तनाज़ा हुआ उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जनाब में पेश करो। उसका जो फैसला अल्लाह ने किया है उसको कबूल कर लो अल्लाह के रसूल ने जो फैसला किया है उस फैसले को कबूल कर लो। क्योंकि मोमिनों का मुसलमानों का हम अकीदा लोगों का बामी निज़ा जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि निज़ा हो जाता है मगर जब कौल फैसल मौजूद हो अल्लाह ताला का अल्लाह के रसूल का तो फिर उस पर झगड़े पर रहने का मतलब कोई नहीं। फैसला शुदा बातें हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करो और अपने सब झगड़े जो है उनको निमटा लो खत्म कर लो। अल्लाह फरमाता है अगर तुम मोमिन हो अल्लाह पर ईमान रखते हो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो ये सबसे बेहतर रास्ता है तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह की इताअत करो अल्लाह के रसूल की इताअत करो उलिल अमर की इताअत करो और अपने हर झगड़े को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हल करवा लो। ये सादा सा तर्जुमा जो मेरी दस्तरस में था मैंने जो कर सकता था कर दिया। अब इससे चंद मसाइल जो उलमा ने इस्तिंबात फरमाया निकाले हैं वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला हाकिम है अहकमुल हाकिमीन है और अल्लाह तबारक व ताला का ये हक है बंदों पर कि वो बंदों से ये तकाजा करे कि तुम जिन उमूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को कुछ हुक्म फरमाया है उनमें अपनी मर्जी के मुताबिक न चलें बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलें। ये अल्लाह ताला का हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला अपने बंदों को ये हुक्म दे कि तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलो और इस इस्तेहकाक पर किसी दलील की तो जरूरत नहीं लेकिन फिर भी एक दूसरे मकाम पर अल्लामा काजी बैजावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इस्तेहकाक के हवाले से इस आयत करीमा से ये मसला बयान किया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम
अपने रब की इबादत करो और उसकी इताअत करो इसलिए कि वो तुम्हारा रब है, यानी उसके रब होने की वजह से तुम उसकी इताअत करो और उसकी बंदगी करो। और रब का माना कि जो बंदे की जरूरियात के मुताबिक फितरतन उसको पालता है और उसकी तरबियत करता है, मुरब्बी है तो वो तरबियत करता है और उसकी जरूरियात को पूरा करता है। रब जल्ला वाला बंदे की सब जरूरतों का कफील है, मालिक है, वही अता फरमाता है। और फरमाया जिसकी जरूरतें तुम पूरी करते हो उसके साथ तुम्हारा ये तकादा होता है कि तुम मेरी इताअत करो। अगर आप किसी को तनख्वाह पर रख लेते हैं उसको आप एक तरीका भी बताते हो, भाई इस तरह काम करना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक तुमने ये ड्यूटी देनी है और इसके बदले में हम तुम्हें ये पैसे दे रहे हैं। और अगर वो ड्यूटी इसके मुताबिक ना दे तो आप फौरन कहते हैं भाई तनख्वाह किस काम की लेते हो जब तुम काम करते ही कोई नहीं, ये काम तुमने इस तरह नहीं किया। हमारे चूंकि मैं एक देहात से ताल्लुक रखता हूं पंजाब से, तो भैंस गाय लोग रखते हैं, उसको चारा डालते हैं, चारा डाला और फिर एक बर्तन लेकर दूध दोने बैठ गए। और अगर दूध देते वक्त गाय ने या भैंस ने कोई पांव इधर उधर हिलाया, तकलीफ दी, पूछल हिला दिया, दूध नहीं दिया, तो दो तीन मुक्के उसे मारेंगे जाट जमींदार लोग और कहेंगे बड़ी बदअसर है भाई, खाने के वक्त तो पूरी खुरली खा गई और दूध देते वक्त तुम्हें तकलीफ होती है। इसी तरह अगर किसी जानवर को चारा डालते हैं, गधे को खिलाते हैं, घोड़े को खिलाते हैं, घोड़ा अगर सवारी ना करने दे और गधा बदन ना उठाए, कहते बड़ा बदअसल है भाई, खाने के वक्त खा गया सब कुछ, अब सवारी नहीं करने देता, अब बदन नहीं उठाता। तो काजी बेजारी फरमाते हैं कि जिसको तुमने पाला, अगरचे मुजाजन पाला, चारा भी रब ने ही पैदा किया, मगर सिर्फ काट के तुमने रब की दी हुई जमीन से जिस जानवर को डाला, अगर वो तुम्हारी इताअत ना करे तो उसे बदअसल कहते हो। और जिसने सब कुछ पैदा करके तुम्हें पाला वो कहता है कि मेरी इताअत करो और इताअत नहीं करते हो, उस वक्त तुम्हारी असल बड़ी कामिल होती है। आपने असल पर गौर नहीं किया कि जिसको तुमने कुछ डाला फौरन इताअत का तकाजा कर दिया, और जो हमें डाल रहा है हमें अता फरमा रहा है, ना उसकी हमद की, ना उसकी इताअत की, ना उसकी इबादत की किसी बात की हमें फिक्र नहीं, और फिर भी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही दिमाग हैं और सही हैं और सही जा रहे हैं, सही नहीं जा रहे। या यूहन्ना सो वदू रब्बकुम, जब तो तुम्हारा रब है तो जो कुछ तुम्हें वो हुक्म करे या उसका रसूल हुक्म करे उसकी इताअत करो। ग्रामी कदर हजरात, अब दूसरा मसला अर्ज करूंगा और इस मसले का ताल्लुक अकीदे से है। क्यों? कि जो हाकिम होता है, हाकिम इताअत उसी की होती है। और जगह जहां मैं तकरीर करता हूं उन लोगों ने आदत डाल दी, सुभान अल्लाह कहते, आप ही कह रहे मतलब की बात है, आप बरकत भी होती भाई, जो बराबर का आदमी हो उसकी इताअत नहीं होती, होती है ओके भाई, ऐ तो पैर नहीं है चुकना, जो कह तू मेरे पैर तक ही लगने, हाथ नहीं लाना, उन्होंने कहा तू हाथ तक ही लगने, तेरा कहता लगे इस बात से हाथ नहीं लाना जी। बराबर का बंदा अगर कोई हुक्म दे, कमाल हो गई भाई, तेरा क्या इलाका है इस बात से कि तू हमें पाबंद करते इस तरह करो इस तरह ना करो। आपस में एक दूसरे को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, लेकिन हम किसी को फर्ज इताअत नहीं कर सकते अपनी दूसरे पर। हुर बंदा आजाद बंदा है, कोई खरीदा हुआ तो नहीं है। अल्लाह तबारक बताला कि इताअत तो लाजिम हो गई, दलील अर्ज कर दी कि वो हमारा रब है, इताअत जरूर करनी चाहिए उसकी, हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, माबूद है, मस्जूद है। लेकिन अल्लाह की मखलूक में और कौन है जिसकी इताअत जरूरी हो जी? हम पूछ सकते हैं, लोग भी पूछते हैं, बल्कि हम कम पूछते हैं वो ज्यादा पूछते हैं। और लोग कहते जी और किसी की इताअत नहीं होनी चाहिए, ये अल्लाह के बराबर कौन हो सकता है, जब कोई नहीं हो सकता तो और की इताअत की बात ना करो। मैंने कहा ठीक है, अगर कुरान ना बात करे तो हम भी नहीं करेंगे, हमें कोई तकलीफ है भाई? कुरान जो बात ना करे, हम मौलवी होकर वो बात कहें, हमें कोई तकलीफ है? कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैं तुम्हारा हाकिम हूं, मेरी इताअत करो और मेरा रसूल भी तुम्हारा हाकिम है, उसकी भी इताअत करो। अब जिन हजरात की जुबान चल सकती है वो प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। हर वक्त दुनियावी बातों में जुबान चलाना ही कोई कमाल की बात नहीं है, किसी वक्त सुभान अल्लाह कह देना भी कमाल ही है। हाँ जी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
अब मैं पूछता हूं, या अल्लाह तू तो मेरा रब है, अपनी तो मनवा, तो यती और रसूल क्यों फरमाए? क्योंकि इससे तो फिरके बन गए, नहीं मानेंगे, बराबर होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मुख्तलिफ सवालात, हमें तनकीद नहीं करनी, सिर्फ आपको मसला समझाना है। भाई हुजूर अगर हमारे बराबर है या हम हुजूर के बराबर है, या नबी आम बंदों जैसा ही होता है, तो फिर हमारी तरह वो भी इताअत करता फिरे, उसकी इताअत क्यों फर्ज होती है? हमारे तरह है तो फिर ठीक है, वो भी पाबंद है, इताअत करता फिरे, वो मुता कैसे, उसकी इताअत क्यों जरूरी है? मालूम हुआ कि खुदा की इताअत तो वो भी पाबंद है कि रसूल भी खुदा की इताअत करेगा, लेकिन दूसरे बंदों में और उसमें यह फर्क है कि वो मुती है अल्लाह का और दूसरी सारी खुदा की मखलूक उसकी मुती होती है। अति और रसूल इताअत करो, जरा इससे बुलंद आवाज से नारा हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, इसमें तकल्लुफ से काम ना लें, इसमें भी बरकत होती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इस तरह। तो ग्रामी कदर हाजरीन, दो बातें आपकी समझ में आ गई, अभी वक्त ज्यादा नहीं है, वरना मैं इताअत का माना जो है ना, बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही रूह अफजा और बड़ा ही ईमान अफरोज माना है इताअत का, लेकिन इस वक्त बयान करने का टाइम नहीं मेरे पास, मुझे आगे बड़े दूर जाना है और अभी 15 मिनट तो ऐसे ही गुजर गए। अच्छा, अब एक पूरी जमात है जनाब, पूरी एक जमात बनी हुई और कहती है कि बस ये भी पता नहीं किस तरह उन्होंने मान लिया, वरना बड़ी तकलीफ है उनको। क्या बस अल्लाह की इताअत, रसूल की, बाकी बाद में किसी की नहीं मानेंगे हम। वजह क्या, इमाम होते हैं, मौलवी होते हैं, आलिम होते हैं, पीर होते हैं, ये भी मेहरबानी समझो हमें कि हती और रसूल भी हम मान गए, अब आगे कुछ नहीं मानना हमने, और बंदे सब बराबर है, कोई पीर नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई वली नहीं, कोई तकलीद नहीं, किसी को पेशवा मत मानो, मत पूछो किसी से मसला, खबरदार ये लोगों ने खुद बुत बनाए हुए हैं। मैंने कहा मौलाना तो बड़ा आपने जोरदार लहजे इख्तियार कर लिया, किसी की नहीं मानी हमने, अल्लाह ताला से भी पूछो, अल्लाह कहता है कोई झगड़ा हो जाए तो मुझसे पूछो, आपे ना मुकाओ, मुझसे कुछ वो अल्लाह का हक तो अल्लाह के पास ही रहने दो, खुद ही फैसला कर रहे हो और किसी की नहीं माननी, अगर अल्लाह कह दे वो मेरी मानो मेरे रसूल की और कोई अथॉरिटी नहीं मत मानो, तो मुझे कसम है उस रब की जिसने हमें पैदा किया हम भी नहीं माने, क्या जरूरत है, कोई तकलीफ है, है? अल्लाह रसूल की बड़ी मुश्किल से मानी जाती है, पूरा टाइम अगर पूरा मानो मौलवी आ क्या फिर वो बंदा है मौलवी हर बड़े अजाने ही देता रहना है, तेरी मानिए तो हर बड़े मसीती ही रखिए और काम ही कोई करिए, है दो निकले फिर बांग, यही दो निकले यही दो बांग, हर बड़े बांग, तेरा और काम भी कोई नहीं, तो सारू बड़े काम ने है। अब हम लोग भी मजबूर है इस बात पर, सुन लो, वो समझते हैं शायद इनको 10-15 लोगों की मान कर बड़ा लुत्फ आता है, मनीत एक दिन भी पवे तो बड़ा काम है, ज्यादा की नहीं मानी जाती, लेकिन मजबूरी ये है कि उसी एक की मानने में तो सारे काम जरूरी हो गए ना, ये बात है, अल्लाह की मानने में बंदा जो है ना फंस गया सारे काम में, क्या हम छूट ही नहीं सकता, क्यों? फरमाया अल्लाह ठीक है, फरमाया अगर मेरी मानी है ना तो फिर मेरी ये मानो कि मेरे रसूल की भी इताअत करो। तो बहुत से लोगों ने मार खाई इस मसले पर, सबसे पहले जिसने मार खाई उसका नाम इबलीस है, शैतान, उसने कहा तेरी मानूंगा, तेरी बात, तेरी इताअत करूंगा, तेरी सिर्फ, और तू अगर कहे ना भाई आदम की तादीम कर, नहीं करता, क्यों? मेरे तुझसे ताल्लुक है, दूसरे से नहीं। अल्लाह ने फरमाया भाई आदम की बात नहीं, बात फिर भी मेरी है, क्योंकि आदम से तुम्हें क्या लेना, तुम ये देखो कि मैं ही तो हुक्म दे रहा हूं कि आदम की तादीम करो, तो तुम अगर मुझे मानते तो उसको भी मानते जिसको मैं मनवाता, इसलिए तुमने मुझे ही नहीं माना। तो अब क्या मसला हुआ जी, अल्लाह की इताअत करो, ए अल्लाह की इताअत करने वालों अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो, ठीक है जी। अब आगे, अब उस जमात ने तो जान छुड़ा ली जी, बस किताब सुन्नत, किताब सुन्नत, किताब सुन्नत, किताब सुन्नत जी, आगे आगे कुछ नहीं, इमाम अगर नहीं है तकलीद हराम है। अच्छा, तो मैंने कहा अब इस आयत में अल्लाह फरमाता है वा उलिल अम्र मिनकुम, वा उलिल अम्र मिनकुम, समझ आ रही है कि नहीं? कहते हैं जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती, उन बच्चों को तो नहीं, बड़ों को समझ आ रही है? आ रही, चलो आपको भी समझ आ रही है, फिर भी उन तक बात पहुंच जाएगी।
वाओलिल अमरे मिनकुम, झगड़ा नहीं है, सिर्फ कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है तीसरी भी एक अथॉरिटी है, जो तुम में साहिब अमर है ना, उसकी भी इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अमर मिनकुम, उलिल अमर की भी इताअत करो। अब जो लोग कहते हैं किताब और सुन्नत के बाद कोई शय नहीं, मैं पूछता हूँ उलिल अमर कौन है? उलिल अमर कौन है ये बताओ, कौन है? नहीं मानते हम भी, चलो मान लिया मशवरा तुम्हारा, लेकिन यार आखिर कुरान है ना, सोचो विचार तो करो, आखिर वो उलिल अमर क्या चीज है, कौन है? अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद उलिल अमर कौन है जिसकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है? क्या ऐसे आंखें बंद करके गुजर जाए? नहीं भाई, उलिल अमर ईमान का छोड़ो भाई, आंखें बंद करके गुजर सकते हो उलिल अमर के पास से? आंखें बंद कर नहीं भाई, उलिल अमर रहने दो, इसको मत छेड़ो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, किताब व सुन्नत कॉन्फ्रेंस, उलिल अमर की बात नहीं छेड़ना, झगड़ा हो जाएगा और लड़ाई बढ़ जाएगी। मैंने कहा तुम्हारों की कुरान की आयत है, इस तरह आंखें बंद करके कैसे गुजर जाए? पूछो उलिल अमर कौन है, कौन है उलिल अमर? मुफस्सिरीन कहते हैं, और मुफस्सिरीन भी कौन, टाइम होता तो ऐसे तफसीलात बयान करता, लेकिन टाइम नहीं है और जरूरी भी नहीं है खाका भरना, असल मसला अर्ज करता हूं आपके सामने। उलिल अमर मिनकुम, इस पर एक उसूल अर्ज करता हूं कि कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर अगर रसूलुल्लाह का सहाबी बयान करे ना, तो हदीस मरफू का दर्जा होता है उसका, जैसे रसूलुल्लाह खुद बयान फरमा रहे। क्यों? इसलिए कि सहाबी रसूल जो तफसीर करेगा वो ज़ाहिर हुज़ूर ने बयान फरमाई है तो करता है ना। ये मैं नहीं बात कर रहा, जिनकी ये पहले मस्जिद थी ना, उनके पेशवा इमाम नवाब सिद्दीक हसन मुबल्ली, उस मसलक के पेशवा हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि तफसीर उस सहाबी है हुज्जत, जब कुरान की किसी आयत की तफसीर रसूलुल्लाह का सहाबी बयान करे तो वो दलील का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह। और उलिल अमर के माने में दो सहाबी, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, दो बड़े जलील कदर जिल्ला सहाबा, और बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो सहाबा में इल्मे तफसीर में सबसे माहिर थे, इत्तेफाक है भाई, हजरत मौला कायनात तफसीर में बड़ा मकाम रखते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद भी तफसीर में मकाम रखते हैं, बड़े बड़े सहाबा है, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला, हजरत अबू मूसा अशअरी, लेकिन इनके लिए एक मौजज़ा हो गया, मौजज़ा तो हुज़ूर ने खास तौर पर इनके लिए इल्मे किताब की दुआ मांगी। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, दुआ मांगी हुज़ूर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के लिए, कम उम्र थे हालांकि, छोटे थे वो, लेकिन तफसीर की कोई बात आ जाती तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं अब्दुल्लाह से पूछो, अब्दुल्लाह से पूछो, हजरत उमर फारूक दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ पहले नंबर पर उनको बिठाते, अभी दाढ़ी थोड़ी थी, थोड़ी दाढ़ी थी काली, तो सहाबा करते हैं बड़े बड़े बूढ़े सहाबा को सरकार दाहिनी तरफ बिठाते थे, आप इस बच्चे को नौजवान को बिल्कुल दाहिनी तरफ बिठा लेते हैं, ये हुज़ूर के तरीके के खिलाफ है। फरमाया मुझे कुरान के बारे में कोई बात पूछ रहा होती है तो मैं बूढ़ों को क्या पूछूं, ये उनसे माहिर है ना, ये उनसे माहिर है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुरान के बारे में कोई बात पूछनी है तो इस पर एतमाद करने के लिए मैं एतमाद करता हूं, करीब बिठाता हूं ताकि मुझे मसला मालूम हो जाए, इतना इल्म हो। अब इससे ज्यादा तफसीर का वक्त नहीं, वरना आप सिर्फ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का जलसा हो ना तो भी इंशाल्लाह भुगत सकता है, इतना लंबा मतलब है जी। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक और जाबिर बिन अब्दुल्ला दो, जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है ना ये भी बड़े बहुत बड़े सहाबी हैं और बड़े आलिम सहाबा में से, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, और इनके बाप भी सहाबी, और हजरत अब्दुल्ला के बाप भी सहाबी भी हैं, और हजूर के चचा भी हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजूर के चचा भी हैं, और ये अब्दुल्ला ये शहीद भी हैं, और जाबिर के वालिद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर के जो वालिद हैं, दोनों सहाबी बड़े तकड़े सहाबी हैं, आलिम हैं, और दोनों का कौल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने नकल किया, और वो भी बड़े जलील कदर मुहद्दिस हैं, हाकिमी हदीस है ना, नाम नहीं था हाकिम अली उनका, वो हाकिमी हदीस होने की वजह से उनको हाकिम बोला जाता है, मुस्तदरक इमाम हाकिम, हजरत इमाम हाकिम ने इस किताब अपनी मुस्तदरक में इन दोनों का कौल नकल किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं रब ने जो फरमाया है ना, ओ मोमिनो उलिल अमर की इताअत करो, इसका मतलब है कि रब ने जिनको फिका का इल्म दिया, जिनको दीन की फिका दी,
دین کی سمجھ عطا فرمائی, دین کے کاموں میں ان کی اطاعت کرو. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اس سے مراد ہے اہل فقہ. اہل فقہ مستدرک میں امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا اور الامر کی تفسیر میں ایک عام قول ہے بادشاہ, لیکن اس پر تنقید بھی کی حضرت امام حاکم نے. فرماتے ہیں بادشاہ عموم کے ساتھ کب کہا, کیوں کہ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا پھر کہا منکم, تقیید سمجھو گے اس کی قیود. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم, اے ایمان والو وہ تم میں سے ہو, اولی الامر تم میں سے ہو, مطلب ہے وہ بھی ایمان والا ہو, تب اس کی اطاعت ہے, تب اطاعت ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں حکم دے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف یا اللہ کے کسی حکم کے خلاف تمہیں وہ حکم دے, لا سما ولا تو آتا, اس کی بات سننا ماننا ضروری نہیں ہے تمہارے ذمے. اور اگر وہ حکم دے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق تو فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. بخاری شریف جلد 2 اٹھا کے دیکھو, جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میں محمد رسول اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میں محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی. علماء نے مسئلہ اس سے یہ اخذ کیا کہ اولی الامر منکم سے مراد ہیں دین کی سمجھ والے, فقہ والے, اور جو خود دین پڑے ہوئے نہیں ہیں ان پر اصحاب فقہ کی بات ماننا قرآن کے اس حکم کی روشنی میں واجب ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. واجب ہے, ضروری ہے. کیوں؟ کہ خود آتا نہیں, دوسرے کی ماننی نہیں, تو پھر دین آئے گا کیسے؟ جیسے ہمارے عزیز محترم صاحبزادہ صاحب نے علی استبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بتایا نا آپ کو, تو علم آئے گا کیسے؟ خود آتا نہیں, دوسرے سے پوچھنا نہیں, کیونکہ پوچھنا شرک ہوتا ہے, پوچھنے سے تو تقلید ہو جاتی ہے. جی آپ آتا کچھ نہیں, دوسرے سے پوچھ رہا کچھ نہیں, اس کا مطلب ہے سب کو بند کر کے مار دو. جی کیونکہ کسی سے پوچھے شرک ہو جائے گا, اور خود آتا نہیں پھر کدھر جائیں. اولی الامر کی تفسیر حضور کے صحابہ نے بیان فرمائی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, مزاح نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہیں فقہ والے, اور فقہ والے بہت سے ہوئے ہیں, لیکن فقہ کے مدون 4 ہیں. مرتب کرنے مرتب جو ہیں اس کے وہ 4 ہیں. فقہ سے مراد, ہم جب کہتے ہیں فقہ سے مراد, فقہ والوں سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ, تو مطلب یہ نہیں ہوتا یہ ہی فقیہ ہے اور نہیں ہے, ان کے سارے اساتذہ بھی فقیہ تھے. تو پھر ان کا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فقہ کو مدون کیا. اب کوئی سادہ سادہ انگریزی میں مدون کو کیا کہیں گے, جس نے اس کو اکٹھا کر لیا, کمپائل کر لیا, مطلب یہ سمجھ نہیں. مدون تو عربی کا لفظ ہے, وہ ہے بھی بڑا بھارا, تو اب کمپائل سمجھے آپ, یعنی ترتیب دے دیا اس کو, مرتب کر دیا. تو امام آدم ابو حنیفہ پر جو سارے جناب ابھی یہ شخص بالکل برداشت نہیں ہے, میں نے کہا اس نے کوئی زیادتی نہیں کی, اس نے تو دین کے سارے مسئلوں کو یکجا کر دیا, مہربانی کی ہے اس کو, تو تھینک یو کرنا چاہیے, الٹا فتوے دے رہے ہیں. کتنے مسئلے مرتب کیا جی؟ کہتے کمپیوٹر آتا ہے, یہ کمپیوٹر نہیں تھا, یہ بندے تھے بےچارے, بندے نہیں بےچارے. کس لیے کہتا ہوں؟ آج دنیا جو ان کے ساتھ سلوک کر رہی, وہ مستحق تھے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے, الٹا ان پہ تنقید ہو رہی ہے. کتنے مسئلے بھائی؟ 935,000 جزیات کو امام ابو حنیفہ نے مرتب فرما دی. سبحان اللہ, 935,000, 9 مسئلے نہیں آتے, تنقید کرنے والے کو 9 مسئلے بھی نہیں آتے. قسمیہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا اوکھڑ مولوی, او امام اعظم ابو حنیفہ روز تنقید. ایک دن میں نے کہا مولوی صاحب بازار میں سے مل گئے, میں نے کہا 2 سجدے ابھی مجھے کی تعریف نہیں آئی تھی نا, وہ پہچانتے ہوتے تو اب تو ویسے بھی لکھ جاتے. مجھے میں کہا مولوی صاحب ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے, ایک رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بتا لیے پورا. میں نے کہا صرف سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا یا سجدہ بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں, اس بارے میں پورا نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا صبح آپ جس پہ تنقید کر رہے تھے اس نے تو 9,00,000 مسئلے بیان کیے, کرنا کیا ہے؟ نہیں, آج کل یہ بھی بڑی عجیب بات ہو گئی ہے, خود تنقید کرنے کو سارے تیز ہیں, یہ امام نے یہ بلا گئی. تو میں نے کہا خود کلی کرنے کا بھی پتا ہے کس طرح کر رہی ہے تنقید, اس میں کرتے ہیں 935,000 مسئلے جنہوں نے جمع فرما دی, حضور کی شریعت مبارکہ کو زندہ کر دیا, زندہ کر دیا, ہمارے لیے مرتب مدون کر کے ہمارے لیے پیش کر دیا. اور یاد رکھو وقت ختم ہو گیا,
सिर्फ इतनी बात कहूंगा, दुनिया में जितने भी मुसलमान काबिले जिक्र हुए हैं, काबिले जिक्र, हम लोग को काबिले जिक्र तो नहीं ना, मतलब जो लोग काबिले जिक्र हैं किसी शोबे में कमाल हासिल किया दीन के बारे में, दीन के बारे में। अभी इससे मेरी ये भी मुराद नहीं है भाई वो जो है ना वो भाई उसको चार माणिया के ला उसकी कणक निकलती हो तो वो भी काबिले जिक्र होगी, उसका अपना एक फील्ड है, हमें उससे क्या काम है। मैं बात कर रहा हूँ दीन वालों की, दीन वालों में जो भी काबिले जिक्र बंदा है, मेरे नजदीक मैं एक गरीब आदमी अपनी सोच के मुताबिक ये समझता हूँ भाई, अमल में इलम में सबसे जो मुमताज लोग होते हैं ना वो औलिया किराम होते हैं। सुभान अल्लाह, जब हम जिक्र करें नेक लोगों का, दीन वालों का, तो पहले औलिया का करना चाहिए। अच्छा सुन लो, आप लोग यहाँ चले आए, यहाँ भी अल्लाह के फजल से बुजुर्गों के आस्थाने हैं, सब है सिलसिला, लेकिन आप में कोई इंडिया के लोग होंगे, कोई पाकिस्तान के होंगे, वो बांग्लादेश का हो सकता है, श्रीलंका का हो सकता है, बर्मा का हो सकता है। आपने दाता साहब का नाम सुना है या नहीं सुना? दाता गंज बख्श अली उजवेरी नाम सुना है? नहीं आपने? जिस इस तरह सुना है तो बोलना पसंद ही नहीं करते आप। और कोई डर नहीं हो, खुदा दे बंदे हो, और दादा साहब को जानते हो? अब ये भी तकल्लुफ जो है ना अजीब किस्म का है भाई, नाम पूछो तो जरा चुप। अच्छा जी, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? हाँ, कोई हर्ज नहीं है इतना मुंह आ कर देने में। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल हुए। ये ख्वाजा गरीब नवाज जो है ना, मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी चिश्तिया सिलसिले के बादशाह, दादा साहब के बाद हुए, दादा साहब के बाद हुए, दादा साहब के आस्थाने पर चिल्ला काट के इन्होंने फैज लिया। सुभान अल्लाह, खुद बड़े वली कामिल थे, लेकिन चिल्ला जब वहां बैठे तो मतलब ये निकला दादा साहब बड़े वली जिनके कदमों ये भी बैठे जाके। सुभान अल्लाह, ये ऐसी निशानियां होती है ना भाई, दादा साहब बड़े वली अल्लाह है। कोई गौर किया आपने? और भूल तो नहीं गए दादा साहब को? याद है ना? तो अब मैं और किसी की क्या शहादत दिलाऊं। दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कशफुल माजूब शरीफ में फरमाते हैं कि मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये जो तरीके हैं फिका वालों के, इनमें जो सबसे आपके करीब तरीका हो ना और रब जल्ला वाला की चाहत के करीब तरीका हो वो मुझे बता दीजिए। वो मार्फत वाले लोग हैं ना, वो इस तरह तो हमारी तरह थोड़ी होते हैं। सबसे करीब जो तरीका हो बता दीजिए। उन्होंने कहा वो नीफा का तरीका सबसे करीब। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हनफी थे, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हनफी थे जी, सारे फरूआत दीन में हनफी तरीका के मुताबिक, वो आप इबादत और मामलात सारे हनफी तरीका के मुताबिक, फतवा भी हनफी तरीका के मुताबिक देते थे हजरत दाता साहब। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी हनफी थे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी हनफी थे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी भी हनफी थे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी भी हनफी थे, और जनाब हजरत हजरत मुजद्दद अल-फिसानी भी हनफी थे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब हमें कहते हैं क्या जरूरत, आखिर जरूरत क्या है, आखिर क्या जरूरत है, आखिर क्या जरूरत है? मैंने कहा भाई यार हम तो किसी कमे में नहीं, और जो वली कामिल थे आखिर उनको भी जरूरत थी, इमाम बनाए किसी को, तो हम नकमों को ये मशवरा देते आखिर क्या जरूरत है, आखिर क्या जरूरत है। और मैंने कहा जो पहुंचे थे उनको भी इमाम की जरूरत थी। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब शरीफ में एक बात लिखी, तो लुत्फ आएगा हजरत तवज्जो, एक आधे मिनट में बयान करूंगा। दाता साहब फरमाते हैं एक दफा मैं दमिश्क गया, दमिश्क शाम के अंदर, दमिश्क बाबू सगीर में, कब्रस्तान में बाबू सगीर नाम है उसको बोलते हैं, वहां हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की कब्र है। हजरत दाता साहब फरमाते हैं मैंने हजरत बिलाल की कब्र पर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, उनकी कब्र पर मैंने मुराकबा किया। मुराकबे के अंदर मैं क्या देखता हूं कि मैं तो हरम शरीफ में हूं, हरम मक्का में, और बाबे बनी शैबा से हुजूर तशरीफ ला रहे, हरम की तरफ दाखिल हो रहे बाबे बनी शैबा से। बाबे बनी शैबा देखा है हरम शरीफ में, ये ऊपर है ना मसा और दौड़ने की जगह जो सफा मरवा वाली, उस तरफ आता है बाबे बनी शैबा, अभी भी बोर्ड लगा हुआ, मैंने भी अभी देखा बाबे बनी शैबा, तो ये ऊंची जगह है बहुत, इधर उतर रहे हैं हुजूर सीढ़ियों पर। हजरत दाता साहब फरमाते हैं मैंने ये देखा कि हुजूर बाबे बनी शैबा से आ रहे हैं और इस तरह
उतरा, यानी ऊंची जगह है ना नीचे इस तरह उतराई है, तो इधर तशरीफ ला रहे हैं। और आपके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी है लेकिन सरकार उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है और उससे प्यार करती, शफ़क़त फरमा रही है। तो मैंने कहा कि ये बंदा बड़ा कोई मुकर्रब है भाई, हुजूर इससे शफ़क़त फरमा रहे, प्यार कर रहे हैं इससे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कौन है जिसके साथ आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे? तो दाता साहब भी तो हुजूरी थे ना भाई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अली उजवेरी तूने इसे नहीं पहचानता, ये अबू हनीफा है ना मेरी उम्मत का इमाम, इसके दीनी कामों पर मैं इससे खुश हूँ। बखुदा मैंने कोई इसमें अपनी तरफ से कोई भी मेख नहीं, कोई गलती कोई रह गई बढ़ा के कुछ भी पेश नहीं किया, बल्कि कुछ थोड़ा कम हो गया। फरमा रहे भाई सिर्फ इस तरह हाथ नहीं रखा, उठा रखा था, ये सही है कि उठा रखा था, यानी सरकार ने हल्तिमा में आदमी वजूद को उठा रखा था, समझ रहे हैं आप, उनको उठाया हुआ है जिस तरह बच्चा उठाया जाता है। तो मैंने कुछ कमी करके सिर्फ इतना कहा कि कांधे पे हाथ रखा है, समझ आई ना। इससे आपको पता चल गया कि मेरा नुकता नजर मुबालगा करने का नहीं, कुछ कमी कर लेता हूँ मैं ताकि ज्यादा चिड़े नहीं लोग। अच्छा अब समझिए आप, कशफुल महजूब शरीफ में दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा, तो बताओ ये इमाम अबू हनीफा हमारे तरफ से तनकीद का मुस्तहिक है जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी शफकत फरमाते हैं, सरकार किससे इतना प्यार करते हैं, और आपने हम पर ये मेहरबानी फरमाई दीन का। और फिर बात ये करना थी मुझे कि इमाम साहब अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम है फिका के, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े नसीब वाले हैं कि इस इमाम की पैरवी और तकलीद हमें नसीब हुई। हाँ क्यों? इसलिए कि इमाम मालिक इनके शागिर्द हैं, इमाम मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा ये शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के, और इमाम शाफी ये शागिर्द हैं इमाम मालिक के, और इमाम अहमद बिन हम्बल ये शागिर्द हैं इमाम शाफी के। नोट करो ये बात, यानी और यह भी सुन लो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद हैं, क्यों कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो इमाम अहमद बिन हम्बल के भी शागिर्द हैं उनके सिलसिले में। तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम तिर्मिज़ी ये सारे के सारे शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के सिलसिले के, और तीनों इमाम शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के सिलसिले के। तो हमें वो इमाम नसीब हुआ जिसने अपनी जिंदगी में 8 सहाबा की अपनी आंखों से ज़ियारत की। और ये बात नोट करो कि सिर्फ मैं सुन्नी नहीं कहता, ये नवाब सिद्दीक हसन रूपाली ने जो गैर मुकल्लदों का पेशवा है उसने भी माना इस बात को कि इमाम ने 1-2 सहाबा को नहीं 8 सहाबा की ज़ियारत की। कितने सहाबा की? 8 की, और 3 सहाबा से इमाम ने रिवायत भी की। और ये जो इमाम बुखारी है ना जिनका बुखारी बुखारी करते रहते हैं, इमाम बुखारी के पास बुखारी शरीफ में 23 हदीसें हैं सिर्फ 3 वास्तों की, जिसको सुलासियात बुखारी कहते हैं, 3 वास्ते की, और इस पर इमाम बुखारी फख्र फरमाते हैं। और ये बात बाएं से फख्र है कि 250 साल बाद आप जिस किताब की तरतीब कर रहे हैं तो 3 वास्तों से आपने 250 साल में अगर 3 वास्ते की रिवायत ले लें, बड़े कमाल की बात है ना, इतना करीब कर दिया आपने रिवायत को सनद को। लेकिन उस इमाम के बारे में क्या कहोगे कि जिसके पास 1 वास्ते की सिर्फ 1 वास्ते की 80 हदीसें हैं, वो फरमाते हैं मैंने सहाबी से सुना और सहाबी ने रसूलुल्लाह से सुना, तीसरा वास्ते भी कोई नहीं, दूसरा भी नहीं, खुद सुना, पहले सहाबी है और फिर सरकार से उन्होंने सुना। अब इनको मशवरे देते फिर रहेंगे, इनको हदीस नहीं आती थी, मैंने कहा ठीक है, वो पंजाबी में कह रहे हैं घरों में तो सिने तू देने पे सहाबा की ज्यारत अबू हनीफा ने की, हदीसें तुमको ज्यादा आती है। ग्रामी कदर हजरात ये हमारा सिलसिला है अल्लाह के फजल व करम से। और एक बात सुन लो, इमाम बुखारी भी मुकल्लद थे, इमाम मुस्लिम भी मुकल्लद थे, इमाम तिर्मिज़ी भी मुकल्लद थे, इमाम इब्न माजा भी मुकल्लद थे, इमाम अबू दाऊद भी मुकल्लद थे, इमाम नसाई भी मुकल्लद थे, सब मुकल्लद थे। और अगर तकलीद शिर्क होती है तो फिर हदीस की ये किताबें छोड़ दो, ये तो मुशरिकों की हुई, जाओ को उसकी लाओ जिसने तकलीद नहीं की और हदीस की किताब लिखी है, उसकी लाओ ना फिर, है ना, कमाल हो गया। हमें क्या तकलीद करते हो, शिर्क करते हो? तो मैंने कहा ये तो इमाम बुखारी भी मुकल्लद है, सब मुकल्लद हैं। और हकीम उल उम्मत किबला मुफ्ती अहमद यार खान साहब के शेयर पर 5 मिनट मेरे ज्यादा हो गए, गुफ्तगू खत्म। हकीम उल उम्मत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जो तेरी तकलीद शिर्क होती, जो तेरी तकलीद शिर्क होती, मुहद्दिसी सारे होते
بات مشرک بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ زمانے بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تجھ سا امام اعظم ابو حنیفہ جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ ہے ہمارا طریقہ اور اس سلسلے میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بڑے بڑے مہربان ہیں ہمارے ابھی یہاں ایک سیلاب آیا ہوا ہے بھئی حرم شریف کے امام آئے ہیں تو لوگ ان کو جناب ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور مسئلہ نازک ہے ہم لوگ ڈرتے ہیں تھوڑی جی بات خبردار مولوی تمہیں پتہ نہیں ہے بندہ بڑی دور سے ہے میں نے کہا میں اتنی بات صرف کہوں گا کہ صاحب وہ ہمارا تو ہے ان سے عقیدے کا اختلاف ہمیں کچھ نہ کہو اور اگر تم ان کو بلاتے ہو اور بڑی بڑی ارینجمنٹ کرتے ہو ان کے لیے اور پیسے ان سے لے لیتے ہو تو میری اتنی عرض ہے کہ پھر ان سے کم از کم اپنا عقیدہ ملا لو ان سے ہی ملا لو کیوں کہ وہ تو رمضان میں بھی اس طرح یہ پڑھتے ہیں تو ہم کیوں آٹھ پڑھتے نہیں سمجھ آئی ہمارا تو عقیدہ کا اختلاف ہے ہمیں کیا میڑے مارتے ہو لیکن جو تم اتنی گرانٹیں وصول کرتے ہو تو کم از کم ان سے ہی مل جاؤ کیوں حرم کبھی نہیں گئے آپ بھائی حرم نہیں کبھی گئے آپ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں ہمارا ان سے عقیدہ کا اختلاف ہے بس تو ہماری ان کو کوئی بات نہیں میں سات مرتبہ حاضر ہوں حرم مکہ میں الحمدللہ الحمدللہ ایک نے بات بھی ان کے پیچھے نہیں پڑی میں نے سب آپ نے پڑھی آپ نے پڑھی جماعت بھی کرائی آپ نے کیوں کہ اندر جس سے مطمئن نہ ہونا سرکار نے بھی فرمایا بھی نہیں پڑھو بس ہمارا اندر مطمئن نہیں ہے جب نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے سیدھی بات لیکن تمہارا مطمئن ہے نا لاکھوں کروڑوں میں گرانٹے لیتے ہو اور بیس پڑھتے بیس پڑھو کہتے جی امام کے پیچھے بات پڑھو تو ہم نے امام کے پیچھے پڑھی تو نہیں مگر اس کی کیسٹ سنی ہے وہ پڑھتا ہے بولے دولین ابھی سدیش آیا رات کو برینفورڈ لے جانا ہے اس کو انہوں نے وہ بھی پڑھے گا بولے دولین تو میں نے کہا ایک زواد دعات نہیں فرق مٹوا لو اس سے نہیں سمجھ آئی آپ کو ہمیں بڑے میڑے مارتے یہ اس کو بھی نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانتے مگر ہم تو نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ نہیں مانتے کیوں کہ جو ہمارے رسول اللہ کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے میں کو تو وہاں بڑے بڑے رہے ہیں بات ہے ماننے کی مان کر رہے وہاں مان کر نہ مان کر رہے تو تمہارا تو پیشوا ہے تمہارا پیشوا ہے نا تو اسی سے مکوالو اسی سے ترابی بھی بیس پڑا کر تو آج کا فرق بھی اس سے نکلوا لو سدیش سے بڑی مہربانی تمہاری بولا زوالین جو پڑھتے ہو نا اگر یہ پڑھ جائے نا بولا زوالین تو پڑھتے رہو تو یہ اگر پڑھے بولا دوالین اور جناب سارا عرب بلد دوالین پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے گنڈی ہوتے ہی رکھنی کام بھی بڑا دبائی رکھا ہے میں نے کہا ہمیں پھر کیا مشورے دیتے ہو ہمارا تو ان کا فرق ہی بہت زیادہ ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے تبھی بچ بچ جاتے ہو جی آ رہے آلن سالن مرابن میں نے کہا ترابیاں لے لو بھی ان سے آئے ہوئے ہیں ترابیاں بھی لے لو انہیں کو آئے جی 20 ترابی لے لو ایک بلد دوالین لے لو ایک بلد دوالین لے لو ان سے اور دوسرا ان سے ایک اور بھی لے لو وہ بھی لے لو کیا کہ ہم کسی پیر فقیر کے ہاتھ چوم بیٹھے نا تو وہ تو سر تو لے کے گٹے تھوڑی چوم چھڑ دے بندے نو سمجھ نہیں آئی ہاں باقاعدہ متھا چومن گئے تو ہن چومن گئے موڈے چومن گئے تو میں کہ ہم کسی پیر بزرگ فقیر باپ ابا دادا بابا چاچا پیر فقیر کے ہاتھ چوم بیٹھو جناب جیسے کوئی 440 وولٹ کا کرنٹ پڑ گیا میں نے کہا یہ بھی اس سے لے لو اے دوڑا چمان دیو پہ انہیں کلو جتنے ماں فوٹو ان کے دیکھ کر دیکھو کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ کچھ ادائیں اپنا لو کچھ تو آخر قریب ہو جاؤ گے کچھ سبق آ جائے گا ہماری تو ماننی نہیں ہے اس کی مان لو گرامی قدر حضرات بس ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ مبارک 850 سال تک
اور اب بھی دنیا کے کئی ملکوں میں نا, اور ہم اسی طریقے پر اور تابعین. اب یہ امام بخاری تھے, میرے ماننے یہ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں, حمیدی دادا استاد امام بخاری کے, اور میرے امام اعظم کے پوتے شاگرد تھے. سٹے واسطے پانچویں میں آتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو بچہ کہے گی ابا جی تو پورا شادی کا طریقہ نہیں آتا, میں نہ تو دسا پتر میں بڑا ہی ان پڑھ ہاں, تم تو جان ہی پیا نا بغیر پڑھی ہوئی. آپ اماموں کو مشورے نہ دو اس قسم کے جنہوں نے دین سکھایا, آپ ان پر جو استادی کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. واخر دعوانا الحمدللہ. حاضرین ذی وقار, حضرت علامہ صاحبزادہ یہ سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی نے ضرورت اور وقت کے مطابق بیان ارشاد فرمایا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں, کیوں تقلید کرتے ہیں, اور یہی اس جگہ کی ضرورت تھی, اسی جگہ یہ زور لگایا گیا کہ اماموں کو نہ مانو, کسی کی تقلید نہ کرو. اللہ تعالیٰ حضرت کو خضری عمر عطا فرمائے. حضرت نے یہ ایک کتاب لکھی ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں, آپ احباب جاتے ہوئے یہ بھی ضرور لیتے جائیں. حاضرین ذوالقار, آپ صدارتی خطبہ کے لیے میں عرض کرتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب.